हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव कृष्ण ढुल ने परिषद द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि परिषद द्वारा 75 चाइल्ड गाइडेंस एवं काउंसलिंग केंद्र चलाए जा रहे हैं, जिनसे अब तक लगभग 50,500 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद ने संस्कारों और संस्कृति को व्यवहारात्मक बढ़ावा देने के लिए नैतिक शिक्षा केंद्र चलाने भी शुरू किए हैं, जिसके तहत 25 कैंप लगाए गए हैं तथा 15,164 बच्चों को नैतिक शिक्षा के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि परिषद द्वारा 45 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे 1450 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। हमारी हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को पंचायत डिपार्टमेंट के माध्यम से फिट ऑर्गेनाइजेशन घोषित होना है। उसमें ये मैंडेटरी हो जाता है फिर कि जिस पंचायत के पास अगर उसका वेलफेयर का फंड है, अगर उसके पास सफिशिएंट फंड है तो वो वेलफेयर में अपना फंड दे सकता है। और हमारी जो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद है, इसको 80G के अंतर्गत छूट भी प्राप्त है। जब मैं आया तो कुछ चीज़ें मेरे मन में थी, जो मैं सामाजिक जीवन जीता रहा हूँ उसी कड़ी में, जिसमें एक था बाल संगम केंद्र, जो कि मैंने ये महसूस किया था कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और एक गरीब दंपत्ति जिसकी पत्नी बीमार है, बच्चा गोद में है और पति उसको लेकर के हॉस्पिटल गया हुआ है, तो मैं अक्सर इस पीड़ा को महसूस करता था कि उस पति के लिए, उस पिता के लिए अपनी गरीब पत्नी को चेकअप के लिए इधर से उधर लेके जाना और उस दरमियान वो बच्चा इन्फेक्टेड हो गया है, ये बच्चा इन्फेक्टेड हो गया, ये तो वो कल्पना कर ही नहीं सकता, क्योंकि गरीब आदमी उसको इन्फेक्शन नाम के वस्तु का, इस शब्द की जानकारी नहीं है। उसका इन्फेक्शन से संबंध तब मानता है जब बच्चा बीमार हो जाता है। तो पर मुझे ये लगता था कि वो बच्चा असहजता के साथ कितने सारे विषाणु हॉस्पिटल में अंदर जाते ही ले लेता है, तो मेरे मन में ये चीज़ थी। मैंने इसलिए हॉस्पिटल के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ संपर्क किया और हमने जहाँ रजिस्ट्रेशन है वहीं पर उसके साथ लगता है एक बाल संगम केंद्र खोला, ताकि वो दंपत्ति अपने इलाज से पहले अपना बच्चा हमारे पास छोड़े, हम उसकी देखभाल करेंगे 6 घंटे 7 घंटे जितनी देर तक भी वो इलाज करवाएगा, तब तक वो बच्चा हमारे पास खेलेगा कूदेगा, हमारे आया और जो उसको वर्कर है वो उसको खिलाएंगे, और अगर बड़ा बच्चा है तो उसको हम लोग राइम्स कविताओं के माध्यम से या ए अनार और गिनती वगैरह जो है, जो उसकी प्रिलिमरी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं वो हम सिखाते हैं। बाल संगम केंद्र आज हम 12 जिलों में खोल चुके हैं, बहुत जल्दी हम इसको हर ज़िले में खोलने जा रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है, यमुनानगर और पलवल का आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, अपने जिलों के जो आपके इंचार्ज होते हैं उनको एक बार जा कर के देखने के लिए बोलें, रिपोर्ट लेने के लिए बोलें, 70 से ज़्यादा बच्चे उस हमारे बाल संगम केंद्र में आते हैं। बड़ी खुशी होती है कि हमने जिस काम के लिए जो सोच करके बीड़ा उठाया था वो बहुत अच्छे रूप में जा रहा है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।